नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला। हम वार्ड क्रमांक 65 ममाया मंदिर वार्ड में आज आ पहुँचे हैं और यहाँ पर वार्ड की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। जो 5 साल यहाँ पर पार्षद का कामकाज रहा, उन्होंने क्या विकास के यहाँ पर काम किए, वो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो आम लोग हैं, यहाँ के जो वार्डवासी हैं, सीधे उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि 5 साल पहले जिस पार्षद को उन्होंने चुनाव जिताया था, आखिरकार उसने यहाँ पर कितना काम किया है। ममाया मंदिर वार्ड हम आ पहुँचे हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और ये जानने की उनसे ये कोशिश करेंगे कि 5 साल पहले जो पार्षद निर्वाचित हुए थे इस वार्ड में, उन्होंने कितना काम किया है, विकास यहाँ पर कितना काम हुआ, मूलभूत सुविधा पानी बिजली सड़क उसको लेकर कितना काम यहाँ के पार्षद ने किया है। तो सीधा जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, 5 साल जो अभी वर्तमान पार्षद हैं, अब चुनाव आने वाला है, 5 साल उनका ख़त्म हो रहा है, कितना विकास आप देखते हैं और क्या बाकी रह गया इस वार्ड पे? ऐसे मैं नरेंद्र फूल सिंह यादव पूर्व पार्षद रहा जी। मैं अपना जैसे पिछला कार्यकाल मेरा रहा है राधा स्वामी पोसा कॉलोनी, यहाँ पे रोड नाली खासकर पानी रिंग रोड खुदवा के मैं जो काम किया, पानी मैं करते रहा काम, पर तो वैसी टाइप इस कार्यकाल में मेरे को नहीं दिखा। जैसे मैं पहले भी बताया कि महाराजगंज एक बहुत बढ़िया तालाब है, जैसे मरीन ड्राइव बना है, तो मैं चाहता था मरीन ड्राइव बने, आदमी घूमे, मॉर्निंग वॉक करे, जो भी हो, उतना सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। बाकी आया हो जो जितना पैसा आना है आया, पर उतना विकास नहीं हो पाया है। ध्यान नहीं दिए क्या वर्तमान पार्षद? अब पार्षद जी क्या है, अपने हिसाब से बस करते रहे, किसी की जिम्मेदारी दे दिए, पर उतना पार्षद का वो होता है कि डोर टू डोर मैंने कहते हैं बस संपर्क होते रहना चाहिए आदमी से, मिलनसार, मतलब खुद जाकर समस्याओं से अवगत नहीं होते। अब होते होंगे तो ये नहीं, पर मिलनसारिता भी मेन है ना, गाड़ी से निकल गए वो भी नहीं, मतलब हमारा तो ऐसा रहा कि हम साइकिल में ही निकल गए। आप बताइए कैसा दिखते हैं, 5 साल कैसा रहा जो वर्तमान पार्षद है यहाँ पर सालिक सिंह ठाकुर, उनका काम कैसा रहा, विकास किए उन्होंने 5 साल में? ठीक रहा भी है विकास के मुद्दे पे, अब जैसे नल, लाइट, रोड, राशन कार्ड, सुलभ शौचालय, वो तो सरकार का है, पार्षद क्या करेगा, उसको तो मजबूरी करना ही है वो चीज़ ऊपर से आदेश आने से। लेकिन गली मोहल्लों की साफ सफाई हो गया, लाइटें, ये तो पार्षद की जिम्मेदारी होती है ना, तो इसको लेकर काम प्रॉब्लम है भी है। सफाई भी प्रॉब्लम है, अभी 2-4-8 दिन से साफ सफाई ज़्यादा हो रहा है। देखिए सब कई वार्डों में पानी की समस्या रहती है, तो इस वार्ड में क्या दिक्कत है पानी की? नहीं, इस वार्ड में पानी की कोई दिक्कत नहीं, नालियों की सफाई हो रही बराबर, की साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा हो रहा है, 15-20 दिन से हो रहा है। बाकी ये थोड़ा आगे जाएंगे नीलकंठेश्वर में कचरा भी पड़ा होगा, डम मुद्दे क्या होंगे, अभी आने वाला चुनाव है, उसमें क्या मुद्दे, किस आधार पर वोट डालेंगे आप? विकास को ही देख के डालेंगे भैया, संबंध विकास, पार्षद की सक्रियता, पार्षद की सक्रियता। या आप बताइए मूलभूत जो चीजें रहती हैं, सुविधाएं रहती हैं, पानी बिजली सड़क, उसको लेकर कितना काम यहाँ पर हुआ है वार्ड में 5 सालों में? देखो भैया, पानी की तो दिक्कत यहाँ शुरू से नहीं है, इसमें तो पार्षद का कोई रोल भी नहीं है, क्योंकि मैं पैदाशी मठ यहीं से हूँ, है ना। और रहा सब साफ सफाई का, तो साफ सफाई तो आप सामने ही देख रहे हैं, बाजू में नली है, कोई साफ सफाई है ही नहीं, है ना। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि महाराजगंज तालाब, अभी आप महाराजगंज तालाब को एक बार, वो सरकारी नगर नहीं, एक बार आप ऐसा घूम लीजिए, है ना, आपको ऐसा ही दिख जाएगा महाराजगंज तालाब। एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा था कि तालाब में अगर सिक्का गिर जाता था, हम लोग छोटे थे, कूद के निकाल लेते थे, लेकिन आज ऐसा अगर आप नोट भी फेंक दोगे तो दिखेगा नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो भैया तालाब है, इतना बदबू है पानी में, बाजू में बाथरूम का वो रखे हैं डिब्बा नगर निगम वाला, इतना बदबू आ रहा, इतना बदबू आ रहा है कि आप वहाँ पे खड़ा होना पसंद नहीं करोगे। समस्याओं से अवगत पार्षद को नहीं कराते सब है भैया, क्या बोलते हैं वो? देखिए भैया, वो तो एक तो ठीक से बात नहीं करता है किसी से, तो भैया उसको हम क्या बोलेंगे, है ना। ये मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कई लोग हैं जो बोलने वाले, जब किसी की बातें नहीं सुनते तो क्या कर सकते हैं, जबकि वो वार्ड का प्रथम नागरिक है, उनको सब चीज़ को पहले ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ बाथरूम हम रखवाए हैं, उनकी साफ़ सफाई हम करवाएं। भैया हम तो थोड़ी जाएंगे वहाँ से रोज़ साफ़ करने, है ना, हम देखते हैं चिल्लाते हैं करके इन लोग जीत जाते हैं बस। ठीक है, ये मूलभूत सुविधाएँ हो गई, इसके अलावा जो
कोई बड़े भवन यहाँ पर बने क्या, आंगनबाड़ी हो, सुलभ वुलभ जो कॉम्प्लेक्स है? नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बना है जी। यहाँ पे करने वाला आदमी मैं पेंटर है ना, बबलू यादव। अपना नीलांबर महोदय में अपना समझ लो सालिक भी अपना भवन बनाए है ना, मंदिर मंदिर वंदिर के लिए तो कुछ नहीं दिए हैं, जो भी अपने तरफ से पेंटिंग करवाए हैं, गेट वेट कुछ नहीं लगवाए, बाकी हम पूरा करवाए हैं। हाँ, और जो भी है सहिता भाभी जो बाउंड्री वॉल करवाई है, इस पर कितना करोड़ रुपया है मेरे को नहीं मालूम है ना, सिर्फ पेंटिंग बस हुआ है, बाकी क्या हुआ आप देख लो। वो रोड बना है, कितना भी करोड़ आए अपने उससे कोई मतलब नहीं, बाकी कुछ नहीं किए। समस्या लेकर अगर ये वार्ड पार्षद के पास जाते हैं तो वो उनका क्या कहना रहा? कुछ नहीं भैया, अपना काम बनता और करो, अपना खुद जनता हो तो, और कुछ नहीं करने वाले यहाँ पार्षद जो आ रहे हैं सब अंदर, मतलब सीधे जुड़ाव नहीं है, सक्रियता दिखती है वार्ड? कुछ नहीं, जो भी पार्षद बन रहे हैं यहाँ का सब पैसा अंदर और कुछ नहीं करने वाले। आधार पे वोट डालोगे आप? क्या मुद्दा रहे जो इच्छा लगेगा उसको डालेंगे जी, अपन निर्दलीय में डालेंगे लेकिन पार्टी में नहीं डालेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस वार्ड में? जो बोलोगे कुछ करते ही नहीं है तो अपन क्या, किसी साफ सफाई तो सबसे रद्दी। प्रथम मुद्दा तो भैया साफ सफाई है ना, उसके बाद है जो महाराज बन तालाब का जो तो जैसे था उसी प्रकार से बना दे, जैसे पहले तालाब था 53 एकड़ के आसपास था, अभी मुश्किल से 30-32 एकड़ बचा है, पूरा पाट डाले हैं, तो तालाब का अच्छे से सौंदर्यीकरण हो जाए, उसके अलावा साफ सफाई हो जाए। क्या बताइए दादा? हाँ। नाली का वो भी का कुछ काम नहीं हो रहा है, जाली लगाना जरूरी है। यह पार्षद को कितने बार बोल चुके हैं, पर पार्षद को ध्यान नहीं दे रहा ना, कौन ध्यान नहीं दे रहा है? तो आगे यहाँ पे नाली देखिए, नाली देखिए, नाली है, नाली देखिए, नाली है, नाली है, ये नाली में जाली लगाना बहुत जरूरी है। क्यों जाली लगाना बहुत जरूरी है? क्योंकि कभी गाड़ी आता नहीं देते क्या? कौन ध्यान, सब देख रहे हैं, कोई ध्यान कौन दे रहा है यहाँ पे? गए उसको लेकर और समस्या लेके गए थे, बता दिए तो बोल रहे सब पासा जाओ, तो पासा मिला के बंद करने के लिए तैयार थे, तो उसमें तैयार नहीं है तो क्या करें उसमें बताओ। इस वार्ड के वर्तमान जो पार्षद हैं सालिक सिंह ठाकुर हैं, और इस वार्ड में काफ़ी परेशानियां निकल कर आ रही हैं। साफ तौर पर जो यहां पर सबसे पुराना तालाब है ये महाराज बन तालाब है, और इसका इतिहास काफ़ी रहा है, लेकिन विकसित करने का प्रयास इन 5 सालों में नहीं किया गया है। गंदगी यहाँ इस तालाब में काफ़ी पसरी हुई है, और पार्षद जैसे लोगों का कहना है कि पार्षद इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देते, लोगों से सीधा वो बात नहीं करते। हालांकि यहाँ भी बात की जाए तो सफाई एक बड़ा मुद्दा है, नालियों सफाई नहीं होती, इस तरीके से यहाँ पर हेड पंप लगा है लेकिन निकासी, पानी निकासी के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना काम हुआ है, आप किस तरह देखते हैं काम को? मैं काम यहाँ के लिए भैया चाहता हूँ, अगर भवन नहीं रहता ना तो यहाँ तो लेटरिन बाथरूम करने के लिए जितने तीर्थयात्री वगैरह जो भी दर्शनार्थी वगैरह आते हैं बहुत असुविधा होता। भगवान के संयोग से एक भवन है तो कहाँ जाएं भाई, बोलते हैं तो जाइए, वो सीधा में बोलते हैं, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं है। क्यों उमेश बाबू? नहीं तो बहुत बड़ा भीड़ जगह है, अब बाहरी आदमी ही ज़्यादा आते हैं। तो क्या समस्याएं हैं अभी वार्ड में? कोई समस्या बोला जो, यहाँ तो सर्वप्रथम एक बढ़िया सुलभ शौचालय होना चाहिए, बस मेरा ये मान। लोग आते हैं उनको कभी दिक्कत होती है? हाँ बहुत दिक्कत होती है, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, सब आते रहते हैं, गाड़ी गाड़ी बस में आते रहते हैं। तो ये थे महामाया मंदिर वार्ड के लोगों की राय, जिनका साफ तौर पर कहना है जो यहाँ सबसे पुराना तालाब है महाराज बन तालाब, उसको विकसित किया जाए, क्योंकि इन 5 सालों में ये तालाब को विकसित करने का प्रयास पार्षद ने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि ऐसे भी रायपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस वार्ड की बात की जाए तो इस वार्ड में सबसे प्राचीन दूधाधारी मठ भी है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन एक भी सुलभ जो शौचालय है वो यहाँ पर नहीं है। तो लोगों की मांग है कि एक तो महाराज बन तालाब को विकसित किया जाए, दूसरा यहाँ पर सुलभ शौचालय का निर्माण जल्द हो। तो ये समस्याएं सारी निकल कर आई है, और कामकाज पार्षद के कामकाज से असंतुष्ट यहाँ की जनता नजर आई है। हालांकि थोड़ा बहुत काम ही उन्होंने यहाँ पर किया है, लेकिन मूलभूत सुविधा की बात की जाए पानी यहाँ पर पर्याप्त तौर पर आता है, लेकिन साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है, साफ सफाई भी नियमित तौर पर इस वार्ड में नहीं होती है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं सत्य राजपूत और आप देख रहे हैं मेरे खास प्रोग्राम पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं संत कबीर वार्ड क्रमांक 3 में, और यहां पे हमारे पास कबीर नगर वार्ड क्रमांक 3 के यहां पे आवासी मोहल्ला में हम पहुंचे हैं। यहां पे इनसे जानेंगे कि यहां
किस तरीके की समस्या है और कितना इन 5 सालों में विकास हुआ है। तो आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ कितने सालों से रह? बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। इन आप देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ है। पानी व्यवस्था कैसा है यहाँ पे? पानी जो आता है कितने समय में आ रहा है? पानी तो आ रहा है, दोनों टाइम खुल रहा है और चल भी रहा है पानी। हाँ, अच्छा ही। हाँ, सफाई का क्या स्थिति है सफाई का यहाँ पे? सफाई तो पूरा गंदगी है भैया, नाली साफ करने आते हैं 15 दिन महीना दिन में, तो वो भी ढंग से सफाई नहीं करते, ऐसे ही छोड़ के चले जाते। ये नाला खुला हुआ है, इतना बड़ा सा नाला है ये, इसमें कभी बच्चे बच्चे गिरते हैं, डर होता है क्या? हाँ, गिर जाते हैं भैया, सही बात है। तो यहाँ कभी किसी से शिकायत की है यहाँ? नहीं, हम लोग तो नहीं किए हैं। नहीं किए हैं, जो यहाँ के जो क्या बोलते हैं वो जो पार्षद है उन लोगों के पास में शिकायत हुआ है, लेकिन कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा है ना। सफाई तो होगा तभी तो यहाँ के बाल बच्चे जो भी है सफाई में रहेंगे। इतना गंदा नाली है तो इससे किस तरह की समस्या हो रही है लोगों को? बदबू तो आ रही है, हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन क्या बीमारी वगैरह भी फैल रही हो रहा है? बच्चों लोगों को बीमारी हो रहा है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की यहाँ पे समस्या हो रही है और 5 सालों में कितना विकास हुआ है? 5 सालों में सर कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ का जो पार्षद है, जो ये कबीर नगर वार्ड से, वो पार्षद रेखा गीत लहरे जी, नहीं 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 प्रीतम ठाकुर, प्रीतम जी जी, वो भाजपा से हैं, वो कुछ कार्य नहीं करता है यहाँ पे। जिस दिन से जीता है वो एक ही बार आया, उसके बाद 5 साल में और शकल नहीं दिखाया जी। ऊपर से ये तो सामने की गंदगी है, आप पीछे में देख सकते हो कि हमारी गंदगी बहुत ज़्यादा है। हम उस पीछे की गंदगी से हमारे घर में कीड़ा निकलते हैं, नाली का कीड़ा निकलता है, और जब बारिश आती है तो पूरे घर में पानी भर जाता है। ये हमारे, हम गरीब हैं, हम गरीब का कोई सुनाई नहीं है सर। जो ये पैसे वाले हैं इनका सुनते हैं, हम गरीब का कोई नहीं सुनते। ये अटल आवास बता रहे हैं, जैसे कि आप लोग को अटल आवास मिला हुआ है, कितने समय से? नहीं सर, हम लोग को मिला नहीं है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन आज तक आवास नहीं हुआ है हम लोग। नहीं तो ये नाम कैसे पड़ा अटल आवास? अटल आवास नाम ही है शुरू से, जब से हम यहाँ बसे हैं तो हम लोग कब्जा वाला रूम है, ये हमारे ना बाप दादा का है ना किसी का है। तो हम लोग कम से कम 15 साल हो गया है, ना हमको सरकार भगा रही है ना हम लोग भगेंगे, क्योंकि 15 साल से जी रहे हैं हम छोटे छोटे बच्चे लेके। तो हमको यही चाहिए कि हमको आवास कर दे, या हमारे पीएम आवास आप लोग को नहीं मिला? नहीं मिला है हमको, सरकार बसते हैं जिता दो आपको आवास दे देंगे ऐसा बोलते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते। शौचालय बना हुआ है घर घर? नहीं नहीं, घर में अंदर बना है जब नहीं, अपना नहीं जो सरकार दे रही है वो बना है? नहीं 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 है सर। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्या है आपके वार्ड में? यहाँ पे दिक्कत यही है कि यहाँ पे नाली गंदगी साफ नहीं होती, सबसे मेन बात तो ये है। और प्लस क्या है यहाँ पे तकलीफ ये है, सब जगह हर चीज़ का सुविधा मिलता है। हमारे कबीर नगर में कम से कम इतना साल हो गया, 15-16 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, हर जगह सुलभ का सुविधा देते हैं, सबका सुविधा देते हैं, सब ध्यान देते हैं, लेकिन अटल आवास बस्ती के अंदर में कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ के लोगों को पेंशन वगैरह मिलता है? पेंशन यहाँ पे कुछ नहीं मिलता सर, कोई पेंशन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। उज्ज्वला योजना का जो कुछ नहीं मिलता यहाँ, कुछ नहीं मिलता सर यहाँ पे। यहाँ तक कि यहाँ पे आज तक के पार्षद ही बना, तो आज तक यहाँ पे आपको पूछा भी नहीं है कि आपको क्या समस्या है, आज तक नहीं पूछा। जितने के चुनाव खड़े होने के समय सब आते हैं और यहाँ पे सब बोलते हैं हम भैया ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन आज तक के यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक यहाँ सुलभ भी नहीं है यहाँ पे। इतने समस्या है, पार्षद के पास जाते हैं तो क्या किस तरह का रवैया होता है उनका, कैसे बात करते हैं? कल आना यहाँ तो अपने कुछ कार्यक्रम के लिए, कुछ चीज़ के लिए भी जाएंगे, हमको जरूरत रहता है बच्चे के लिए या कुछ के लिए भी, तो कल आना परसों आना। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं आप पार्षद के 5 सालों को, 5 साल का जो उनके कार्यकाल दौरान रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? उसका तो कोई विकास ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या बताएं हम, कुछ भी विकास नहीं है उसका। अच्छा, तो कभी बीच में गए उनको शिकायत करने की हम लोग की ये समस्या है? कचरा के नाम से तो कितनों बार हम लोग गए हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है हमारा। क्या बोलते क्या है वो? बोलता यही है कि बोलता यही है कि हो जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं होता है। चुनाव का समय अभी है, अभी सभी नेता आएगा, उसके बाद सब बोलेगा कि हाँ तुम ये अटल आवास को तुम्हारे नाम में करेंगे वो करेंगे, ऐसे लालच देकर वोट लेता है, उसके बाद जो है कोई नहीं सुनता है। तो आप सभी तो आप जान चुके हैं कि आते हैं लोग वादा करते हैं चले जाते हैं, वादा पूरा नहीं करते, जीतने के बाद लोग देखने भी नहीं आते। तो अब इस बार क्या करोगे, कुछ आप लोग के प्लान है? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं है सर, अब जो होगा वो। हम लोग तो बस उम्मीदवार में हैं कि हमारा नेता जो भी बने, जो हमको अपना विकास कर दे हमारे घर का,
और हमारा साफ सफाई रहे कि हमारे बच्चे सही रहे। आप पीछे जाके देखिए, वीडियो शूटिंग करके देखिए कि पता चल जाएगा कितनी गंदगी है। आप लोग को पता है अभी फिर पार्षद चुनाव होने वाला है, नामांकन प्रक्रिया हो गया, छटनी का भी काम लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो बहुत सारे लोग यहाँ उम्मीदवार बन के आएंगे। क्या क्या मांग रखेंगे आप? मांग तो अपना यही है सर कि हमारा साफ सफाई रहे और हमको आवंटन करिए, बस हमारा ज़्यादा मांग नहीं। हम तो अपना रोजी रोटी कमा के जी लेते हैं, हमको कुछ नहीं, आवंटन चाहिए और साफ सफाई चाहिए बस। पानी तो यहाँ से सरकारी लगा हुआ है। क्या देखते हैं आप अपने पार्षद के काम को? आप युवा हैं, पार्षद के काम में क्या देखते हैं सर? वादा करते हैं पर निभाते नहीं। यहाँ के पार्षद तो ऐसे हैं, काम रहते हैं तो आते हैं, जब जब गरीबों को जरूरत रहता है तब तो नहीं आते। सब सॉल्व करना चाहिए, यहाँ के पार्षद जो बने तो साथ देना चाहिए गरीबों का, तो वही पार्षद का लगा अच्छा रहेगा। ऐसे पार्षद तो यहाँ से ढंग के नहीं है, सब आओ खाओ राम वाले हैं। तो अभी आपने लोगों को सुना जिनका अभी तक काफ़ी नाराज़गी है, और भी लोग हैं इनसे जानते हैं, आप कैसे देखते हैं? इस मोहल्ले में कितने समय से रह रहे हैं? 10 साल से। 10 सालों में क्या बदलाव देखने को मिला आपको? बदलाव कुछ नहीं है, जस कथा ऐसी है, सफाई व्यवस्था ढप पड़ी हुई है। दो ब्लॉकों के बीच में जाओगे तो आपको इतना मतलब बजा रहा है, झिल्ली कागज पूरा, बरसात का पानी घरों में घुसता है कि हाँ घरों में कीड़े आ जाते हैं। ये भी डर है कि दो ब्लॉकों के बीच में इतना मतलब पानी भर जाता है बरसात में ना, तो पूरा मतलब पूरा गर्मी भर उसका सीलन रहता है, फूटने का डर है, इसमें जान माल का नुकसान का ज़्यादा भय है इसमें। गर्मी के दिन में क्या स्थिति रहती है? गर्मी के दिन में भी सीढ़न छोड़ती नहीं है। हाँ पानी के लिए, पानी तो नलों में आ रहा है, पानी की दिक्कत नहीं है। हाँ तो और किस चीज़ की दिक्कत है? दिक्कत है स्कूल, यहाँ पे कई स्कूल है, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी व्यवस्था? आंगनबाड़ी नहीं भी है, नहीं है आंगनबाड़ी। यहाँ पे कितने दूर भेजते हैं छोटे छोटे बच्चों को? हम लोग यहाँ तक 1 किलोमीटर भेजते हैं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर प्राइवेट स्कूल में सब पढ़ाते हैं, गरीब इलाका है पूरा। हाँ क्या मांग रखते हैं आप जो भी अब यहाँ पार्षद आएंगे वोट मांगने आएंगे, उनसे किस तरह से मांग रखते हैं? हम सफाई के लिए यहाँ सफाई व्यवस्था डेली रहना चाहिए, जैसे होना चाहिए। यहाँ तो 15-15 दिन में सफाई नहीं हुआ, महीना दिन नाली भी कई साल से था पीछे, दोनों ब्लॉकों के बीच में इतना गंदा पड़ा है वो कभी आदमी झांक के भी नहीं देख सकते, इस टाइप का गंदी पड़ी है। और पहले दूसरा कि बच्चे लोग फालतू इधर उधर घूमते रहते, तो उसके लिए आंगनबाड़ी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी सुलभ नहीं है, शौचालय नहीं है, सुलभ शौचालय सार्वजनिक। यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ऐसा कुछ बना है आप लोगों का? हाँ किसी का बना है, किसी का नहीं बना। नहीं बनने का कारण क्या बताते हैं? अपन देते हैं भैया तो कभी 11 वाला बन जाता है, 10 वाला वही बनता है। बाकी राशन मिलता है आप लोग को? मिलता है, राशन कार्ड बना है, मिलता है, किसी जिसका बना है उसका मिलता है। नहीं तो भाई बनवाने के लिए जाते हो पार्षद के पास? बनवाने के लिए जाते हैं, लेकिन सिविल लगता है तो किसी का सामान्य बनाया है, किसी का 1 रुपया बना है। क्यों 15 साल से यहाँ रह रहे हो बता रहे हैं, क्यों नहीं बना? बना था 10 वाला रिजेक्ट कर दिया, तो उसको गए थे पार्षद के पास तो नहीं बना पाए, बोलते हैं रिजेक्ट नहीं बनेगा। आपके समय में ये पूरा वार्ड डेवलप हुआ, ठीक आप पूरे यहाँ का दृश्य देखे, पहले क्या स्थिति था अब क्या स्थिति है? पहले की स्थिति तो जैसी थी वैसी बनी, उस टाइम में तो वैसी था, लेकिन आपके बनने के बाद में भी यहाँ पर गंदगी है, बनने के बाद में भी गंदगी है। और हम चलो आपको दिखाते हैं, उसका एक नमूना आप ले लीजिए फोटो आप ले, वही है यहाँ पर गंदगी, कचरा कभी नहीं जा रहा यहाँ पर, ये पीछे में देख लीजिए यहाँ। ये गंदगी करता कौन है यहाँ पे? देखो जिसका घर रहेगा आजू बाजू रहेगा वो गंदगी करता है। आप नहीं लूं अपनी आप स्वच्छता को बताना, सुनो आप हमारे इसमें जहाँ पर रहते हैं हम उतना दूर यहाँ से तो वहाँ हमारा सफाई रहेगा, तीसरा करेगा उसको क्या करेगा? हमारे यहाँ पर 1-2 आदमी है जो अपने घर के सामने स्वच्छ रखता है और स्वच्छ में रहना चाहता है, लेकिन अभी देखो ना कोई आदमी किसी झगड़े बोल के क्या झगड़ा करेगा, कुछ करेगा नहीं। हम तो प्रेम से रहना चाहते हैं, हम तो सोचते हैं कि हमारे भाई लोग जैसे हम करते हैं वैसे इस हिसाब से अपना भी घर को स्वच्छ रखें, लेकिन नहीं चाहते। कैसा प्रत्याशी चाहिए अब चूंकि फिर अभी चुनाव का समय है, कई पार्टी से लोग आएंगे वोट मांगने आएंगे, कई बड़े बड़े बातें करेंगे। अच्छा स्वच्छ और एक इस कबीर नगर को एक स्वच्छता आना चाहिए, हमारा ऐसा हिसाब है, वही आदमी आना चाहिए, स्वच्छ रखे, अपने को भी समझे और दूसरे को भी समझे, और हर जगह जैसा देख के हम तो सोचे ना कि यहाँ से देख के दूसरा भाई बहन भी सीखेंगे स्वच्छ कैसे रखना चाहिए और हमारा एक आदर्श कबीर नगर कैसा रहे, हम यही चाहते।
अब हम पहुंच चुके हैं कबीर नगर स्थित अटल आवास में। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहेंगे कि पार्षद ने जो वादे किए थे वो उसे कितना पूरा किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्या है यहाँ की। हमारा आज 5 साल पूरा होने जा रहे हैं, 22 दिसंबर इसी महीने का चुनाव है। हमारा कोई समस्या अभी तक पूरी नहीं हुआ है। पानी की समस्या है यहाँ? पानी की समस्या नहीं है, गंदगी सफाई नहीं हो रहा है अभी तक के। ना नाली वाले आते हैं, ना रोड झाड़ू मारने वालों को नहीं आते हैं अभी तक के। हम लोग मोहल्ले वाले अपना कोशिश करके जारी करके अपना हम लोग सफाई करते हैं खुद। यहाँ के सफाई कर्मचारी कितने दिनों में आते हैं? नहीं आते हैं, वो गाड़ी वाले बस आते, कचरा वाले कभी आएंगे कभी आते भी नहीं। वो भी तो यहाँ गाड़ी वाले कचरा वाले जो है वो नदारद है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्या है यहाँ। गाड़ी वाले आते हैं मगर नहीं, जगह से एक दिन नहीं आएगा ना तो फिर वो पानी है पीछे तरफ कचरा ना उसका ज़्यादा समस्या है। यहाँ की बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है यहाँ पे? बिजली का है मगर खंभा का जो लाइट है ना वो नहीं चल रहा है और पाइपलाइन भी टूटा हुआ है। और क्या समस्या है यहाँ पे? वही तो समस्या है, क्या सफाई पानी और बिजली वही तो समस्या है। आवास योजना के तहत आपको लाभ मिला है इसका? आवास योजना में नहीं, वैसे तो नहीं मिला है। तो कब से रह रही है यहाँ पर? आज से 10 साल हो गए हैं। 10 सालों में आपने कुछ परिवर्तन देखा है? परिवर्तन का ही सड़क पर परिवर्तन है, पानी मगर पाइपलाइन जो फूट जाता है उसके लिए नहीं आते हैं। बरसात के दिनों में कुछ समस्या होती है यहाँ पे? हाँ वो पानी जाम हो जाते हैं ना बरसात के दिनों में भी, नाली जो है और नाली सफाई नहीं होती है तो कोई नहीं आते भी नहीं है सफाई करने के लिए। हमारे साथ इस वार्ड की और भी महिलाएं हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्या है। वो पीछे कोती गंदगी हवा का, गंदगी ला साफ करे बर नहीं आए? नहीं आवा है और ये नल मन फूटे फूटे जगह जगह। तो नल फूटे तो पानी तो इसने व्यर्थ हो जाते, तो ओकर पर कुछ बोले हो आप मन? बोले हम कुछ करत नहीं है ना, कई बार ले कंप्लेन कर चुके हैं कुछ नहीं करता है। तो का चाहत हो आप? हमने पाइप फूटे फूटे वाला बनवाना चाहत हन और पीछे साफ सफाई करवाना चाहत हन। पानी की किल्लतों से यहाँ पर लोग मर रहे हैं लेकिन यहाँ पर देखो तो नल के जो पाइप हैं वो फूटे हुए हैं, आपको क्या समस्या है? हमको भी वही समस्या है जी, जो सबको समस्या है वो सबको यही समस्या है यहाँ पर। आप अपने आने वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे क्या उम्मीद रखती हैं? साफ हो जाना चाहिए करके वही उम्मीद है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पार्षद आते हैं? नहीं आते हैं। एक भी बार नहीं आए अब तक? नहीं आए। तो यहाँ पार्षद ने कदम भी नहीं रखा है और वोट मांगते हैं, तो इस बार आप किस तरह के पार्षद को चुनना चाहेंगे? नहीं इस बार नहीं चुनना चाहे, हम लोग जो आएगा उसी को रखना है हम लोग को। तो आप मतदान नहीं करेंगे? नहीं। आप बताइए कि आप अपने आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद रखती हैं और आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? कुछ नहीं जाना ना, वो पानी के सफाई करवाना चाहते हैं हम लोग, कचरा भरे ना और नल के बनवाना। एक और शिकायत आप कहाँ कहाँ करे हो? कतको चल दे शिकायत करे ना, नहीं सुने पार्षद का चल दे, पार्षद सकल दिखाने नहीं आता है। पानी की समस्या यहाँ पे गर्मी के दिनों में होती है? हाँ गर्मी के दिनों में पानी की समस्या ज्यादा होती है, लेकिन कई जगह तो पाइपलाइन भी फूटा है आपने बताया? हाँ वो पाइपलाइन में फूटा है ना, पाइप में जगह जगह फूटे हैं तो उसकी वजह से भी पानी की समस्या होती होगी। समस्या हो रहा है, पाइप अभी भी नहीं बना है। कहाँ पर का पाइपलाइन फूटा है? देखो है सामने फूटा हुआ मारा हुआ है, अभी तक नहीं बनाते हैं, पार्षद भी नहीं आता है, देखते भी नहीं ना, बनाते भी नहीं है। कितनों बार हो गया बोलते बोलते कि बनवा दो करके फिर नहीं बना रहे। तो पाइपलाइन फूटा है तो गंदा पानी भी आता होगा? आते है ना, आता है हर रोज वही गंदा पानी, कभी कभी साफ आते हैं। तो यहाँ पे लोगों को बीमारियाँ भी होती होगी? हाँ बीमारी हुआ थे, लड़का सियान सब में फैला थे। आप क्या चाहती है? मैं भी चाहती हूँ यहाँ साफ सफाई रहे, हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं तो हम लोग भी साफ सुथरा जगह में रहना चाहते हैं, और वो पार्षद बने जो हमारा सुख दुख में साथ दे, मैं बात तो साफ सफाई कराए वो पार्षद रहना चाहिए। जो पार्षद अभी हुई थी वो तो एक बार भी नहीं आई है कि यहाँ कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं, पाइप लाइन भी फूटा हुआ है, कभी कोई देखने नहीं आते एक बार भी। तो यहाँ पर कितने सालों से ऐसी समस्या है? हम लोग तो 12 साल हो गया रहते जब से ऐसी देख रहे हैं, और बुरी पहले थी, हम लोग दौड़ धूप कर करके ना थोड़ा सुधार लाए हैं लेकिन अभी भी पूरी सुधार हुआ नहीं है। तो आपने इसकी शिकायत कही? कही कई जगह की है, हम लोग थक हार गए अब छोड़ दिए काम, उसके बारे में पीछा लगेगा जब कोई आते ही नहीं है तो। और क्या समस्या है आपको? यहाँ राशन कार्ड भी नहीं बना रहे, कुछ नहीं बन रहा है, इतने साल हो गए, 5 साल हो गए कुछ बना भी नहीं रहे हैं, और पूरा यही समस्या है। राशन कार्ड भी नहीं बना? नहीं बना है। आधार कार्ड बना है, राशन कार्ड नहीं बना है, बहुत का बना बहुत का नहीं बना है। तो आपने इसकी शिकायत की कहीं? कर चुके हैं, रिपोर्ट भी किए हैं, नगर निगम भी कर चले गए तो भी से नहीं हो रहे, राशन कार्ड नहीं बन रहे, बोल दे रहे हैं कि पार्षद नहीं बन पाएगा, वो बन पाएगा घुमा रहे पूरा, और बस इतना ही शिकायत है।
तो क्यों नहीं बन पा रहा? आपने इसकी शिकायत पार्षद के बजाय किसी और से की है? किए हैं ना, पूरा सब जगह गए हैं, कुछ भी नहीं किए, मतलब बनेंगे बनेंगे बोलते हैं फिर नहीं बनाते हैं, पारम उरम सब भरा लेते हैं, नहीं आया वो आया बोल के गरीब आदमी को पूरा घुमा रहे हैं लोग, सरकार लोग। आपका बना है राशन कार्ड? हाँ, हमारा तो बना, हम बहुत पहले के आए थे, राशन कार्ड बस बना है और पहचान पत्र भी है, ये सब चीज़ बना है, लेकिन यही साफ सफाई हो जाती। आपकी क्या समस्या है? बहुत जब भी होता है ना मांगने के लिए तो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन नाली को सफाई नहीं करते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि सफाई करेंगे करके, लेकिन अभी तक कोई भी सफाई करने के लिए नहीं आया है। तो हमने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, इनका राय है कि इस बार इनमें इतना गुस्सा है कि ये मतदान भी नहीं करना चाहते। यहाँ पर जो 10 सालों से ऐसे ही गंदगी है, पार्षद है वो तमाम दावे करते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद वो उन दावे हैं वो धरे के धरे रह जाती है।